फांसी दो, फांसी दो। क्या नाम है आपका? अमिता वाल्मीकि, गोविंद नगर 13 ब्लॉक से। आज हम आपकी कैंडल मार्च निकाला है, क्या कहना चाहती हैं? हम कहना चाहते हैं कि जो मतलब मनीषा बहन जी हैं, उनका जो रेप हुआ है उनको फांसी की सजा हो, और जो SDM है जो सुन नहीं रहे हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए, या तो वो अपनी कार्रवाई में आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी फैसला हो उनका। बलरामपुर कांड हुआ है, आप एक महिला है, आप उनके दर्द समझ सकती हैं, क्या कहना चाहती हैं और सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं और सरकार से क्या बात है? हम यही उम्मीद रखते हैं कि जैसे हमारी बहन बेटियों के साथ गलत बलात्कार हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, और जो फांसी की सजा जो की है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और SDM को जल्दी से जल्दी उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, अगर ना करें तो उनको बर्खास्त कर दिया जाए। अच्छा ये बताइए कि जैसे सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप क्या कहना चाहती सरकार से? हम कहना चाहते हैं क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करती क्या है? बेटियन का तो रात दिन कहीं कुछ कहीं कुछ बलात्कार हो रहा, कहीं छेड़खानी हो रही है, कोई बच्चों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो बेटियां जान तो कहाँ जा, माँ बाप कहाँ तक का काका मेहनत नहीं करे, मजदूरी ना करे, बच्चों को लिए कहाँ बैठे? आज आपने कैंडल मार्च निकाला जी, आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो इसके आगे आप क्या करेंगे? आगे और भी कुछ करेंगे, हमारे समझ में आएगा, हमारी बेटियों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आगे का और भी कागज से वो करेंगे, जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ भी जाएंगे। मेरा नाम पंकज जगत वाल्मीकि है, मैं बर्रादू में रहता हूँ। आज जो आपने कैंडल मार्च निकाला है, क्या कहना चाहिए? ये हमारे 13 ब्लॉक राम आश्रय नगर गोविंद नगर के हमारे बहुजन समाज के लोगों ने निकाला हुआ है, और जो कि नंदलाल चौराहा होता हुए और सब्जी मंडी होते हुए ये हमारा जो है राम आश्रय नगर में जो बाबा साहब की मूर्ति लगी है उस पर समापन का कार्यक्रम है। जैसे कि पंकज जी आप जानते हैं हाथरस कांड, बलरामपुर, इसके बाद कानपुर देहात में जो कांड हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद है? देखिए वर्तमान में जो भी इस समय कानून के लोग वहां पर पालनहार है, या वर्तमान में जो भी सरकार है, इस समय बिल्कुल उनका जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये जो भी नारा उसमें बिल्कुल वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और हम अपने जितने भी हमारे यहाँ पर भाई बंद और जितने भी हमारी महिलाएं, हम सब के द्वारा एक ही आवाज़ है कि वर्तमान सरकार को ही बर्खास्त करें। हम DM के बर्खास्त की तो मांग करते करते हैं, और साथ साथ जो है इस प्रदेश के अंदर राज्यपाल के द्वारा हम ज्ञापन दे करके और इस प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन की भी मांग करते हैं। जैसे अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती तो आप क्या करेंगे आगे, इसका क्या करेंगे? हम संवैधानिक रूप से इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी जो भी समिति है, हमारे जो भी संगठन है, उसके द्वारा हम लोग जो संवैधानिक रूप से इसकी लड़ाई लड़ेंगे। किस संगठन के माध्यम से लड़ेंगे? हमारे जो अपने वाल्मीकि समाज के लोग, हमारे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम उनके पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, और उनसे भी कहेंगे कि जब भी सदन चले, संसद के अंदर अपने सांसदों के द्वारा, चाहे विधानसभा का हो, विधानसभा में दोनों हमारे विधान परिषद और विधानसभा के जो भी सदन है उसमें हम आवाज उठाने की जो बात करेंगे उनसे।